हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया कौन है जो मेरे से चंद बातें और चंद कलेमात वसूल करे और उस पर अमल करे और ऐसे लोगों को बताए जो उन पर अमल करें। तो हुजूर ने जब ये इरशाद फरमाया तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ये बातें मैं आपसे वसूल करूंगा। सबसे ज्यादा हदीसें अगर किसी सहाबी से मरवी हैं तो वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुझे एक लतीफा याद आ गया, हमारे एक मौलाना साहब होते थे तो उन्हें बस उर्फी तौर पर मौलाना कहा जाता था, वरना वो दरस निज़ामी दरसियात नहीं पढ़े हुए थे। तो वो किसी हादसाती तौर पर एक मस्जिद के इमाम बन गए, तो ज़ाहिर है जो इमाम होगा उससे सवालात भी होंगे। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि ये अबू हुरैरा को अबू हुरैरा क्यों कहते हैं, तो उन्हें नहीं पता था क्योंकि हुरैरा जो है ये हिर्रा की तस्गीर है, यानी छोटी बिल्ली को अरबी में हुरैरा कहते हैं। तो चूंकि बिल्लियों से उनको खास शगफ था जिसकी वजह से उनकी ये कुनियत पड़ गई, तो उन्हें नहीं पता था कि यह माजरा क्या है। तो उनसे किसी ने पूछ लिया, तो हमारे यहाँ वाजिब है ना कि जिससे भी मसला पूछा जाए तो वो जवाब जरूर देता है, आता हो या ना आता हो। वो कोई एक अरबी आया था पाकिस्तान में तो वापस गया, तो उन्होंने उसे पूछा कि वहां पाकिस्तानी लोगों को कैसा पाया, तो उसने कहा कुल्लो पाकिस्तानी मुफ्ती कुल्लो तबीब, कि हर पाकिस्तानी मुफ्ती भी है और डॉक्टर भी है। कि किसी को कैंसर जैसा मर्ज हो तो वो सड़क पे खड़ा होकर कहे कि मुझे कैंसर का मर्ज है, हर गुजरता हुआ एक आदमी एक नुस्खा जरूर बता देगा। और हर मर्ज के इतने नुस्खे हैं, मैं शुगर का मरीज हूं तो मैं अगर किताब लिखना चाहूं ना शुगर के नुस्खों पर तो सिर्फ एक महीने में लिख सकता हूं। कि इतने लोग जो भी आता है, कई तो जो है वो पूरा नुस्खा तैयार करके दे जाते हैं, जनाब ये खाओ, तो फिर सवेर से लेकर शाम तक मैं दवाइयां ही खाता रहूं। तो हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा तबीब है, किसी अनपढ़ से पूछ लें कोई मसला तो वो भी कोई ना कोई राय दे देगा कि जनाब ये मसला है। आजकल तो अदाकाराएं दीन बता रही हैं, आजकल तो जो सारा साल नाचते हैं वो आपको दीन सिखा रहे हैं, और सहरी और इफ्तारी के लम्हात जो इबादत के लम्हात थे, जो सजदों के लम्हात थे, गिड़गड़ा के रो के अल्लाह से दुआ मांगने के लम्हात थे, उन लम्हात को रुसवा करके रख दिया है। और ये जो कुछ हो रहा है मत समझिए कि इत्तेफाकन हो रहा है, ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमसे हमारे मुकद्दस अय्याम का तकद्दस सीना जा रहा है, और हमारे रब से हमारा जो रब और उसके लिए जो अल्लाह ने खास मौके दिए हैं उन मौके को जाया करने के लिए सारी मंसूबा बंदी हो रही है। मीडिया एक शख्स को मुफ्ती बनाता है और फिर उससे वो काम लेता है कि अल्लाह बिल्ला। तो इस हवाले से हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की, आंखें खोल के जीने की जरूरत है। तो बात कर रहा था कि हमारे यहां मिजाज है कि हर बंदा तो मुफ्ती है, तो जिससे भी कोई सवाल किया जाए वो उसका जवाब देना वाजिब समझता है। हालांकि हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसका जवाब ना देना और कहना कि मुझे इल्म नहीं, ये भी आधा इल्म है, लेकिन हम वाजिब समझते हैं। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि अबू हुरैरा का माना क्या है, तो वो एक लम्हे के लिए तफक्कुर में गए, फिर उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने दो तीन मरतबा लफ्ज दोहराया अबू हुरैरा, कहते हाँ समझ आ गया इसका माना, अबू हुरैरा का माना है हर वेले हुजूर के पास रहने वाला। तो चलो आज यही तर्जमा कर लेते हैं, तर्जमा वैसे जो है वो किसी एतबार से खूबसूरत लगा मुझे, तो हर वेले हुजूर के पास रहा करते थे इसलिए कसरत से हुजूर की हदीसें इन्हें याद थी। अच्छा, इन्हें इब्तदान मसला भी था हजरत अबू हुरैरा को, फरमाते हैं कि मैं जो याद रखता था वो मुझे भूल जाती थी, मैं कोशिश रखता था कि हुजूर का फरमाया हुआ एक एक जुमला नक्श हो जाए, लेकिन मुझे याद नहीं रहती थी हुजूर की हदीसें। मैंने हुजूर से दुखड़ा अर्ज किया, मैंने कहा इन्नी अस्मा व मिन का हदीसन कसीरा, हुजूर आपसे बड़ी हदीसें सुनता हूं लेकिन याद नहीं रहती। तो हुजूर ने फरमाया उब सुतरेदा का या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा चादर बिछा लो। हुजूर ने ऐसे फजा से कोई चीज हाथ में ली और ऐसे डाल दी चादर में। अबू हुरैरा कहते हैं नजर तो कुछ नहीं आया, लेकिन हुजूर ने फरमाया इसे समेट लो और सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उसको समेट के सीने से लगाया, उसके बाद जो सुना है कभी भूल ही नहीं सका।